गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कहते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर आज हमारे पास अवेलेबल है वो भी डिफरेंट साइज में है, टाइप्स में है। तो कहते हैं कंप्यूटर को कहते हैं ब्रॉडली फोर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस्ड ऑफ देयर साइज एंड टाइप। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे जो स्लो है, चीपेस्ट है और स्मॉल है, सिंपल है, तो वो कौन से है, माइक्रो प्रोसेसर, देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आपको ये एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें क्या है, कहता है अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो हमारे पास क्या है, जो कंप्यूटर है वो स्लो होंगे, चीप होंगे, सिंपल होंगे, स्मॉल होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या है, उनकी स्पीड बढ़ रही है, वो एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं, उनका जो काम करने का वे है वो भी थोड़ा कम्प्लेक्स है और उनका साइज भी लार्ज हो रहा है। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, माइक्रो कंप्यूटर। कहता माइक्रो कंप्यूटर क्या है, आप देखो अभी आपको शो हो रही है पिक्चर, ये क्या है, स्मॉल है, लो कॉस्ट आती है, सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें क्या है, सीपीयू लगा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज यूनिट है, सॉफ्टवेयर है। तो कहता माइक्रो कंप्यूटर स्टैंड अलोंग मशीन्स है, उसको क्या है, नेटवर्किंग के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। कहता कैन सर्व मोर देन वन यूज़र, कहता वो बहुत सारे यूज़र को सर्व कर सकता है। तो IBM PC बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्पल का मैकिंटोश, कहता इसकी एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ये हमारे पास क्या है, आज के कंप्यूटर है जो क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इनका जो चीपेस्ट भी हैं, सिंपल काम हम कर सकते हैं, बहुत इजी है इन पे काम करना, ठीक है। तो कहते हैं इसके फीचर्स क्या है, कहते हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट इनके अंदर जो हमारे पास क्या है, आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हम क्या है रेगुलर बेसिस पे अपने घरों पे भी यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में भी यूज़ करते हैं। तो कहते हैं ये कॉमन टाइप है माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। तो कहते हैं इसमें थ्री यूनिट होते हैं, कीबोर्ड, मोनिटर और एक CPU, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कहते हैं ये क्या है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीपेस्ट है। कहते हैं ये क्या है, हमारे क्या है जो सिंगल यूज़र हैं, लाइक होम में, हम स्मॉल बिजनेस यूनिट में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नोटपैड, नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। तो कहते हैं ये क्या है, हमारी नोटबुक है, ये क्या पोर्टेबल है। कहते हैं इसमें भी सारे फीचर क्या है, डेस्कटॉप वाले होंगे, ठीक है। तो कहता है एडवांटेज क्या है लैपटॉप की, ये क्या है, स्मॉल इन साइज़ होता है, ब्रीफकेस की तरह है, हम कहीं भी कैरी आउट कर सकते हैं, इसका बैटरी बैकअप होता है, ठीक है। ऑल दी फंक्शन कहते हैं जो डेस्कटॉप में वो क्या है, परफॉर्म करते हैं। तो कहता है लैपटॉप कहता है थोड़ा कॉस्टली है देन दी डेस्कटॉप मशीन्स। नेक्स्ट है नेटबुक। तो कहते हैं ये क्या है, हमारे पास स्मॉल नोटबुक्स हैं। कहता है इसका क्या है, वेट क्या है, लो है, कॉस्ट भी लो है। तो कहते हैं इनको मेनली किसके लिए बनाया गया है, मेन एप्लीकेशन क्या है इसकी, जिसके लिए हम इसको असेस करते हैं, वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो कहते हैं इस, जब भी कहते हैं ये स्टार्ट किए गए अर्लीस्ट, तो कहता इन 2007 में कहता है ये हमारे पास क्या है स्टार्ट हुए। तो कहते हैं इनको क्या है, सिग्निफिकेंटली पॉपुलैरिटी मिली थी उस टाइम पे। तो कहते हैं नेटबुक हमारे पास क्या है, कहते हैं नेटबुक क्या डिलीवर करती है, कहता हम क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को इंजॉय करते हैं, लाइक वेब सर्फिंग करनी है, इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है, वीडियो देखनी है, म्यूजिक, मेलिंग करनी है। तो इसका मेन पर्पस क्या था, इंटरनेट बेस्ड ही सारी एप्लीकेशन हम यूज़ करते थे, वीडियो गेम खेलनी है, म्यूज़िक सुनना है ऑनलाइन। तो कहते हैं इसका मेन पर्पस ये था। ये नेटबुक वर्ड भी कहाँ से क्रिएट हुआ है, इंटरनेट प्लस नोटबुक से दोनों को वर्ड को मर्ज करके नेटबुक वर्ड बना है। नेक्स्ट है टैबलेट्स। तो कहते हैं टैबलेट कहता इसमें जो नोटबुक है हमारी, हैज़ फीचर्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर, बट कहते हैं ये एक्सेप्ट क्या करती है, इनपुट फ्रॉम दी स्टाइलिश एंड और दी पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। कहते हैं इसमें हमारे पास क्या है, टैबलेट्स में आप लोगों के घरों पे भी होगा, आपने देखा होगा, उसके साथ कीबोर्ड और माउस नहीं है, हम क्या है पेन के थ्रू या स्टाइलिश, वो भी एक स्टिक होती है जिसके थ्रू हम क्या है इनपुट देते हैं। ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये भी न्यू काइंड ऑफ पीसीज है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। कहता है इज ए स्मॉल कंप्यूटर, कहता है ये क्या है, हम ये हमारे हाथ के ऊपर ही आ जाते हैं, कहता है स्मॉल साइज़ के होते हैं। कहता है इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड हम क्या है PDA यूज़ इज ए पेन और स्टाइलिस फॉर इनपुट। कहता है इसमें भी क्या यूज़ होता है,
स्टाइलिस्ट या पेन कहता है, जिसको हम क्या है स्क्रीन पे टच करके इनपुट देते हैं। तो कहता है इसमें डिस्क ड्राइव नहीं होती, लिमिटेड मेमोरी होती है, लेस पावरफुल है। तो कहता है पीडीए को कहता है कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कहता है वायरलेस कनेक्शन। तो कहता है ये क्या है, जो एप्पल के सब मैन्युफैक्चर हुए थे, कुछ प्रोडक्ट आए थे एप्पल कंपनी के जो पीडीए थे, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर पीडीए हैज़ मर्ज्ड इनटू स्मॉल स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। तो कहता है पीडीए ने किस में मर्ज कर लिया, मोबाइल फ़ोन के साथ मर्ज करके क्या है स्मार्टफोन्स क्रिएट कर दिए हैं। नेक्स्ट है स्मार्टफोन क्या है, अब हमारे सेलुलर फ़ोन है जो कि बहुत कहता हमारे पास क्या है फ़ोन का काम भी करते हैं, स्मॉल पीसी का भी काम करते हैं। कहता है इनमें भी जो स्मार्टफोन है स्टाइलस या पेन यूज़ होता है, ठीक है। कहता है कुछ हमारे पास ऐसे भी है स्मार्टफोन है जिनमें कीबोर्ड भी होता है स्मॉल, ठीक है। तो कहता है इसको हम इजीली इंटरनेट से वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। कहता है हम इनको ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, डाउनलोड करना है म्यूज़िक, प्ले गेम करनी है। तो कहता है डिफरेंट हमारे पास क्या है स्मार्टफोन आए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, ब्लैकबेरी, एप्पल है, नोकिया, एलजी। तो कहता है ये सारे क्या है मैन्युफैक्चरर है स्मार्टफोन के। ये था हमारा क्या है माइक्रो कंप्यूटर। थैंक यू।